हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज है गाइस संडे, तो आज थोड़ा लेट उठा था, बट आज की जो स्टोरी होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिकॉज आज की जो स्टोरी है वो दो लोगों की प्रेम कहानी के बारे में है, तो उसी स्टोरी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि है राजेश और सुमित्रा की। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। चलो, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है राजेश और सुमित्रा के बारे में। राजेश और सुमित्रा जो थे वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में थे दोनों। और राजेश के बारे में आपको पहले बता देता हूँ, राजेश एक ऐसा लड़का था जो कॉलेज में सबकी मदद किया करता था, काइंड हार्टेड जिसे हम कहते हैं ना, वैसा वो लड़का था। सबकी मदद किया करता था अपने कॉलेज में, और उसके पापा भी पॉलिटिक्स में थे, तो उसका भी रुझान जो ज़्यादा पसंद थी उसको पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसी वजह से वो अपने कॉलेज में छात्र नेता भी था, और साथ के साथ जितने भी मतलब कोई बालक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, हर किसी की परेशानी को हल करने के लिए वो तैयार रहता था, हर किसी की मदद करने के लिए वो तैयार रहता था। बहुत सरल स्वभाव का लड़का था, बहुत बढ़िया था। और कॉलेज में जो गलत लड़के से जिन्हें कहते हैं, वो लड़के भी उससे डरा करते थे। मतलब उसका नेचर इतना सही था कि वो किसी के साथ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकता था। तो अगर किसी को भी किसी काम की आवश्यकता थी या किसी चीज़ की जरूरत पड़ती थी, वो सीधा राजेश से ही बोलता था, राजेश उसकी ज़रूर मदद किया करता था। वहीं सुमित्रा थी उसकी क्लास में लड़की, वो सुमित्रा जो है बहुत सीधी, बहुत सिंपल तरीके की लड़की थी। और सुमित्रा जो है असली में इतनी खूबसूरत थी, मतलब बला की सुंदर जिसे कहते हैं, वो वैसी थी जो इंग्लिश में डिक्शनरी में जो ब्यूटीफुल वर्ड होता है वो पूरे को अच्छे तरीके से डिफाइन किया करती थी, ऐसा उसका मतलब रूप था, इतनी सुंदर थी वो। सुमित्रा भी अंदर ही अंदर प्यार किया करती थी राजेश से, और राजेश भी जो है पॉलिटिक्स के अलावा जो उसकी लाइफ में कमजोरी थी वो सुमित्रा ही थी, सुमित्रा को वो बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। वैसे राजेश के पीछे काफ़ी लड़कियां थीं, लेकिन राजेश किसी को भी पसंद नहीं करता था, बहुत लड़कियों को वो अच्छा लगता था, क्योंकि जैसे कि उसके मैंने बताया आदत और नेचर इतना अच्छा था कि कोई भी उसकी बातों में बहुत आसानी से आ जाता था। वैसे वो ऐसा था नहीं कि किसी को बातों में ले, लेकिन कोई भी लड़की उससे बात करने को तैयार हो जाती थी, कोई भी उससे प्यार करने को तैयार हो जाती थी, ऐसी लड़के ऐसा लड़का था वो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया सुमित्रा भी उसको प्यार करती थी, लेकिन सुमित्रा उससे कभी कह नहीं पाई, क्यों? क्योंकि राजेश जो था एक वेल टू डू फैमिली से था, बहुत अच्छे घराने से था वो, अच्छा खासा अमीर था। और वही सुमित्रा जो थी वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी, इस टाइप का था। वो दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं बन पाता था, ना ही वो दोनों एक दूसरे से कभी ये बात कह पाते थे। एक दिन की बात है, राजेश और सुमित्रा कॉलेज से निकल रहे होते हैं, तो निकलने के बाद एक जगह पर वो दोनों मिल जाते हैं, दिख जाते हैं एक दूसरे को। तो वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, 15-20 मिनट वो एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, टुकुर टुकुर। देखते देखते क्या होता है, एक बस वहां से निकल के जाती है, जब बस हॉर्न मारती तब थोड़ा उनकी आंख खुलती है और वो अपने काम वाम पे दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। जब वो दोनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं तो सुमित्रा जिधर की तरफ जा रही होती है, वहीं कॉलेज के 3-4 कोई लड़के खड़े हुए होते हैं जो कि उसे छेड़ रहे होते हैं, और राजेश दूसरी साइड जा रहा होता है। अचानक से राजेश को उसकी साइड कुछ काम याद आता है, जिधर की तरफ सुमित्रा गई थी उस साइड में जाने का कोई काम याद आता है। तो राजेश अपनी बाइक मोड़ के उधर की तरफ जाता है, वो देखता है कि वहां पे तो सुमित्रा है ही नहीं, कहाँ चली गई एकदम से। और वो 3-4 लड़के जो थे वो खड़े थे, और उसको पता है कि वो लड़के कैसे हैं कैसे नहीं, उसे समझ में आ जाता है कि लड़कों ने पक्का सुमित्रा के साथ कुछ किया है। तो वो उनके पास ही खड़ा हो जाता है, वहीं उनसे बात करने लगता है। वो लड़के बहुत डरते हैं राजेश से, राजेश उनसे बात करते करते उन लोगों को वहां से भेज देता है, और भेजने के बाद अपनी बाइक खड़ी करके वहां पे सुमित्रा को ढूंढने लगता है। वो काफी सुमित्रा को ढूंढता है, लेकिन सुमित्रा जो है उसे वहां मिलती नहीं है। अब जब सुमित्रा उसको नहीं मिलती है तो वो अपनी बाइक लेके वहां से जाने लगता है। जैसे ही वो वहां से जाने लगता है उसको एकदम से रोने की आवाज आने लगती है, तो वो सोचता है ये रोने की आवाज आ कहां से रही है। वो एकदम से अपनी बाइक को रोकता है, और वो रोने की आवाज जो है ना वो बराबर में एक गली से आ रही होती है। तो वो उस गली में एकदम से जाता है और देखता है कि वहां सुमित्रा डरी सहमी खड़ी हुई है, बहुत ज्यादा रो रही है। वो एकदम से जाता है सुमित्रा के पास और सुमित्रा को अपने गले से लगा लेता है, और सुमित्रा से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। वो रोने लगती है सुमित्रा एकदम से, जो उसे बाहों में लेता है उसे कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। और वो उसको चुप करा के अपने साथ बाइक पर बिठा के उसको उसके घर छोड़ देता है। अब ऐसे ही चलता रहता है, उन दोनों को एक दूसरे से प्यार तो हो ही गया होता है, इजहार भी कर देते हैं वो दोनों एक दूसरे से।
अब बात जो चल रही होती है उनकी शादी की बात चल रही होती है। अब जब शादी की बात चल रही होती है तो राजेश के फैमिली वाले उसके फैमिली वालों को बुलाने के लिए बोलते हैं। तो सुमित्रा बताती है कि सुमित्रा की फैमिली में कोई नहीं है, वो अनाथ है। इस बात के ऊपर राजेश के फैमिली वाले थोड़ी सी आपत्ति बताते हैं कि भाई ऐसे तो यार नहीं हो पाएगा कि भाई उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है और हम लोग इतने अच्छे घर से हैं। मतलब बहुत सारी चीजें देखते हैं यार घर वाले। तो फिर भी राजेश की मोहब्बत के आगे उसके घर वाले को झुकना ही पड़ता है। वो कहते हैं चलो बेटे को पसंद है तो शादी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन दोनों की शादी हो जाती है। वो हंसी खुशी राजेश के घर में रह रहे होते हैं। बहुत अच्छी उनकी जिंदगी चल रही होती है, एकदम मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसे वैसे की कोई दिक्कत थी नहीं, राजेश इतना पैसे वाला था तो किसी भी चीज की कमी होने के कोई मतलब ही नहीं था। फिर उनका डिसाइड होता है शादी जब उनकी होती है तो कि अब उनको हनीमून पे जाना है। तो हनीमून पे जाने के लिए वो हिमाचल प्रदेश का कसौली शहर जो है वहां पे जाने की बात होती है उनकी। वो वहां के लिए निकलते हैं। जब वहां पहुंच जाते हैं तो वहां का जो 5-स्टार होटल है, सबसे अच्छा होटल था वो कसौली पैराडाइज करके, उस होटल में रुकने का उनकी बात चलती है। तो वो जैसे ही रिसेप्शन पे पहुंचते हैं, वहां पे मैनेजर के सामने राजेश सुमित्रा से कहता है कि आप रूम चूज कर लो जो आपको लेना है। तो वो होटल जो था वो 5 फ्लोर का होटल था। मैनेजर बोलता है कि यहाँ पे सबसे अच्छा फ्लोर 3rd फ्लोर है। और सुमित्रा भी एग्री करती है क्योंकि वहां से पहाड़ों का व्यू जो है वो बहुत अच्छा आता है। इसी वजह से वो जो 3rd फ्लोर था उसके रूम्स जो है वो जल्दी भर जाते हैं और वो बहुत महंगा होता है। तो मैनेजर जो है वो वेटर को बुला लेता है उनका सामान उठाने के लिए और सुमित्रा को रूम नंबर 304 की चाबी देते हैं। बट सुमित्रा कहती है कि नहीं, उसको 304 नहीं, उसको 308 चाहिए। लेकिन मैनेजर बोलता है कि 308 में रेनोवेशन का काम चल रहा है। सुमित्रा कहती है कि नहीं, उसको वही रूम चाहिए। अब राजेश भी उसके जिद के आगे कुछ नहीं बोलता। राजेश कहता है मैनेजर से कि यार दे दो रूम, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहता है कि सर वहाँ काम चल रहा है, वो रूम नहीं मिल पाएगा। तो राजेश उसे और ज्यादा पैसे ऑफर करने की बात उसके सामने रखता है। जब राजेश ये बात उससे बोलता है तो वो मना नहीं कर पाता, वो उसको 308 रूम की चाबी देता है और वेटर को बुला के सामान उसके कमरे में रखवा देता है। सामान रखने के बाद जैसे ही वो प्यार मोहब्बत के कुछ पल एक दूसरे के साथ बिताने के प्रयास कर रहे होते हैं तो अचानक से उनको कुछ आवाज आती है, जैसे कि बाथरूम में पानी टपक रहा हो या उस टाइप से कुछ। तो राजेश उठ के देखता है पानी की तरफ तो पानी की आवाज बंद हो जाती है। फिर वो वहां से वापस जैसे ही सुमित्रा के पास आता है तो सुमित्रा कमरे में नहीं होती। अब उसे डर लगना शुरू हो जाता है। वो पूरे रूम में सुमित्रा को ढूंढता है अच्छे तरीके से, तो रूम में सुमित्रा कहीं भी नहीं दिखती। और इससे पहले क्या हुआ था, जैसे ही वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे उनको आवाज जो आ रही थी तो उन्होंने सोचा था कि खिड़की या गेट कोई भी खुला नहीं रहना चाहिए, तो सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया था। बंद करने के बाद अब वो कोशिश करता है कि कहाँ है, वो नहीं दिखती, उसे बहुत ढूंढता है। फिर से अचानक से उसे बाथरूम से आवाज आती है, तो वो फिर से बाथरूम की साइड जाता है तो उसे वहां कुछ नहीं मिलता। फिर उसको आवाज आती है, जानू कहाँ हो तुम, राजेश इधर आओ मेरे पास। तो राजेश देखता है ये आवाज बालकनी की तरफ आ रही होती है, तो राजेश दौड़ के बालकनी की तरफ भाग रहा होता है उसको बाहों में लेने के लिए सुमित्रा को। लेकिन जैसे ही वो उसे बाहों में लेता है वो एकदम गायब हो जाती है। और राजेश को पीछे से अचानक से एक धक्का आता है। उस धक्का आने के कारण राजेश जो है 3rd फ्लोर से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से राजेश की वहां मौत हो जाती है। अब जब राजेश की मौत हो जाती है, कमरे में कोई और है नहीं, मैनेजर जब थोड़ा पता वगैरह करते हैं कि ये तो वही सर थे जो अभी रूम लेके ऊपर गए हैं, तो फिर छानबीन होती है। पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर सोचते हैं कि ये कैसे हुआ। तो मैनेजर बताते हैं कि दोनों पति पत्नी आए थे लेकिन इनकी पत्नी का तो कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे हैं। तो मैनेजर से CCTV फुटेज मांगते हैं इंस्पेक्टर। वहां चेक करते हैं कि एक लड़की सुमित्रा भी उसके साथ होती है और पता चलता है कि वो राजेश नाम का लड़का है। फिर उसके शहर इंस्पेक्टर जाते हैं और उसके फैमिली वालों को इन्फॉर्म करते हैं कि राजेश अब नहीं रहा। उसके बाद राजेश के घर वालों से पूछा जाता है कि सुमित्रा कहाँ रहती है, कैसे है कि। तो सुमित्रा के घर पे जाके बात की जाती तो वहां कोई नहीं होता क्योंकि वो अनाथ थी। अब अनाथ होने के कारण जब फिर से इंस्पेक्टर जी जो है वहां पे कॉलेज में जाके उसके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि सुमित्रा नाम की कोई लड़की इस कॉलेज में थी ही नहीं। तो ये कहानी ऐसे रहस्य बनी रहती है और फिर कन्फर्म हो जाता है कि वो कोई लड़की नहीं थी, वो कोई भूत ही था। तो यही थी यार राजेश की कहानी जो कि मुझे किसी ने बताई है, रियल स्टोरी है। लेकिन गाइस ये तो बहुत गलत हुआ यार राजेश के साथ, ऐसी स्टोरी मुझे बताते हुए भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। बट कोई नहीं, स्टोरी है यार, आपको स्टोरी आपके साथ शेयर करनी थी तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, लाइक प्लीज करना यार, लाइक करना, इससे थोड़ा वो मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा और अगर कुछ भी मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो उसके लिए भी बताना।
और अगर आप में से कोई भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है तो मेरी ईमेल आईडी अभी 97singhs@gmail.com पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मौजूद हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो यार, और दूसरे वाले चैनल को जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे मेन चैनल जो है, अगर करना चाहते हैं तो। मैं मिलूंगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।